हम BMS हैं। अच्छा, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। तो आपके ऊपर का GST लगेगी? बिल्कुल महंगा है, हम उतने बड़े डॉक्टर थोड़े ना, उतने लेवल के उतने लेवल के डॉक्टर साहब। आप लस्सी लेने गए थे जी? कितना महंगा पड़ा है? अरे बहुत कॉस्टली पड़ गया है, पीने का मन नहीं करता है। नहीं, मजबूरियां दर्द दोस्त कर जाते हैं, पिलाना पड़ता है। BHMS मतलब होम्योपैथिक वाले डॉक्टर? नहीं, BMS है। क्या दिक्कत आने वाली है आपके पॉकेट पे? कितना ये GST असर डालने वाला है? GST बहुत असर डालेगी, जिस पे GST लगाना चाहिए, जैसे पेट्रोल डीजल पे उस पे GST लगाना है, जिससे महंगाई कुछ कम होगी। जब पेट्रोल डीजल और शराब पे GST लगाने की बात आती है तो विपक्ष भी एक हो जाता है, तो क्या ये दमनकारी फैसला है? और निश्चित रूप से इस फैसले को वापस लेना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। तो लस्सी आप ही लोग मंगाए हैं? हाँ, लस्सी हम ही लोग मंगाए हैं। क्या किया जाए, जन्मदिन था उसका तो पीछे पड़ गया। अरे भाई देखिए, महंगाई इस कदर पड़ी है, भैया लस्सी बस मंगवाए हैं बर्थडे पे। भाई वही तो है, सबसे मेन मुद्दा GST है, सब चीज पे GST लगा हुआ है। मतलब लेकिन बड़ी बात ये है ना कि अंतिम संस्कार पे उन्होंने GST नहीं लगा रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो लस्सी पहले 20 रुपए की मिलती थी वो लस्सी हम लोग 26 रुपए देकर के लिए हैं। अच्छा, तो यही फायदा हुआ है GST का। आप GST लगाइए, GST लग गया है। अगर आप 25 किलो से ज्यादा सामान लेते हैं तो कहाँ एक गरीब आदमी 25 किलो से ज्यादा ले पाए? ये सब सरकार का मूर्खतापूर्ण लॉजिक है। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट। हम इस समय पंत पार्क में हैं और बड़े ही छायादार पेड़ यानी कि ये बरगद का पेड़ है, हम उसके नीचे खड़े हैं। छाया तो ये दे रहा है गर्मी से, लेकिन क्या सरकार महंगाई से छाया दे पाएगी? नहीं दे पा रही है। GST लग चुका है, चावल हो, दाल हो, बटर हो, ब्रेड हो, सब पर GST लग चुकी है। स्टेशनरी पे जो शार्पनर है उस पर भी GST लग चुकी है। और जो ये मध्यम वर्गीय के लोग हैं जो 16,000 17,000 या 25,000 कमाते हैं, वो किसी तरह से पटरी पर लौट रहे थे, जॉब आ रहा था उनके हाथ, अभी थोड़ा सा ही मजबूत हो रहे थे, पैसे आ रहे थे, अर्थव्यवस्था रेंगती हुई ही सही अभी पटरी पर आ रही थी, तब तक ये GST का ये GST लगना, GST काउंसिल की मीटिंग जो 47वीं थी और उसमें GST का भार आम जनता पर लगा है। देखते हैं, देखिए एक पैकेट बंद लस्सी भी यहाँ पड़ी हुई है जिसपे GST लग चुकी है। आइए जानते हैं जनता से कि जनता क्या सोच रही है इस GST को लेके। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? शत्रुघ्न शुक्ला। शुक्ला जी, जो GST की दरें लगी हैं 18 से लग गई, सोमवार से ही शुरू हो गई, इसको आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये दुखद है, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए इस तरह कार्य नहीं करना चाहिए था। और ये सरकार का क्या मिशन है, क्या नीति है, ये समझ के परे है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगाई चल रही, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो समझ के परे हैं। GST लगाना है तो भाई उनके ऊपर लगाइए जो उसकी क्षमता हो, जो अधिक अमीर हैं, जो अपवर्ल्ड क्लास में हैं। हम लोग के लिए इस तरह चीज़ें करना निश्चित रूप से जो है बहुत ही खराब निर्णय है। आप क्या करते हो? मेरा भी जॉब है, मेरा फार्मा का व्यापार अपना है जी। तो फार्मा में जो अभी मेरी बात हो रही थी, जो ये MR लोग हैं बड़ा संघर्ष करते हैं, 15-16 हज़ार की नौकरी है, उनका कहना था GST लग जाने से मेरे सैलरी पर और जो मेरे खर्च पे और भार आ जाने वाला है, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से सब सारा भार अपनी जेब पे आना है, क्योंकि जो हम लोग उच्च वर्ग जिससे हम मिलते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो तो फीस बढ़ा देंगे, वो तुरंत फीस बढ़ा देंगे, लेकिन हम लोग सैलरी घट रही है दिन प्रतिदिन। कोविड से पहले 25,000 रुपया, कोविड के बाद सैलरी 20,000 हो गई, 18,000 रुपये हो गई और प्रेशर 4 गुना हो गया। सरकार का कहना है कि जो ब्रांडेड कंपनियां थी उनके जो ब्रांडेड सामान आते थे उस पर तो वो GST देते थे, वो चिल्लाते थे कि जो लोग पैकिंग कर ले रहे हैं, अन ब्रांडेड वाली जो पैकिंग करके वो बेचते थे उससे हमारा नुकसान हो रहा है। आप GST लगाइए, GST लग गया है। अगर आप 25 किलो से ज़्यादा सामान लेते हैं तो कहाँ एक गरीब आदमी 25 किलो से ज़्यादा ले पाएगा? ये सब सरकार का मूर्खतापूर्ण लॉजिक है। गरीब आदमी कोई फंक्शन नहीं होता है, गरीब आदमी खाता नहीं है, गरीब आदमी एक बार पैसा पाता है सोचता है कि इकट्ठे ला के राशन रख दें। अब गरीब आदमी आधा किलो रोज राशन खरीदेगा, ये तो हम लोग वैसे थके हारे 11 बजे घर वापस आते हैं, तो रोज आधा किलो तोलवाएंगे जाके। भाई अपना यही था ना, सारा राशन का एक दिन संडे को लेकर रख दिए और उस पर आप ये क्या करते हैं, 100-200 की मार ऐसे बढ़ गई, सिलेंडर का दाम ने अलग से बढ़ा दिया, पेट्रोल अलग बढ़ा हुआ है, कहाँ कुछ बचेगा? आपके पॉकेट पे कितना असर आने वाला है? बहुत असर आया भाई साहब, मामूली असर आया है, 2-4 हज़ार जो सेविंग है वो भी नहीं हो पा रही है, LIC नहीं भरे हैं। तो देखिए किस तरह से LIC एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके पास पैसा है, भाई साहब कह रहे हैं भर ही नहीं पा रहे। क्या नाम पड़ेगा? संजय दीक्षित। अच्छा दीक्षित जी, क्या करते हैं?
मैं भी फार्मा में जॉब करता हूँ। अच्छा, फार्मे वाले लोग आज मिल रहे हैं, तो क्या असर पड़ने वाला है जीएसटी का आपके ऊपर? बहुत असर पड़ने वाला है, जेब ऐसे खाली हो जाएगी। बड़ा मेहनत आप लोग करते हैं, ये तो हम अपने दर्शकों से बता दें, इस कंपनी उस कंपनी, मेरी दवा वो डॉक्टर साहब लिख लें, कोई डॉक्टर साहब ने अगर पेन घुमा दिया भैया 50,000 1,00,000 2,00,000 का, तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी सैलरी पाते हैं? सैलरी हम लोग की कहाँ बहुत ज्यादा है, सैलरी भाई 18,000 सैलरी है हम लोगों की। इंसेंटिव वगैरह बनता होगा? हाँ हाँ, इंसेंटिव। तो कितना आपके पॉकेट पे मार आने वाली है जीएसटी की? बहुत ज्यादा मार आने वाली है, अब कुछ बचेगा नहीं, बस यही है कि अब जो तो भी। सरकार की इस नीति को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही बेकार नीति है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो आप देखिए किस तरह से आप कुछ बोलेंगे भाई साहब के पास, तो हम तो आएंगे ही। क्या नाम पड़ेगा? अमित पांडे। अमित पांडे जी अभी फार्मा में हैं? नहीं सर, मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। फाइनेंस सेक्टर में क्या दिक्कत आने वाली है आपके पॉकेट पे, कितना ये जीएसटी असर डालने वाला है? जीएसटी बहुत असर डालेगी, जिस पे जीएसटी लगाना चाहिए, जैसे पेट्रोल डीजल पे, उस पे जीएसटी लगाना रहे, जिससे महंगाई कुछ कम होगी। जब पेट्रोल डीजल और शराब पे जीएसटी लगाने की बात आती है तो विपक्ष भी एक हो जाता है। जी जी, ये सही बात बोलता है, हमारा रिवेन्यू सबसे ज्यादा वहीं से आता है। अगर पेट्रोल डीजल पे जीएसटी अगर लगा देते तो हम लोग कम से कम कम पैसे में अपना काम कर लेते। उसका जीएसटी लगाने का पूरा दारू मदार हम ही लोगों पे आता है, कुछ सामान खरीदे तो उसमें भी जीएसटी दें। जी, तो आप महीने बाजार एक ही बार कर देते हैं थोड़ा थोड़ा? जब भाड़े पे रूम लेके रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो इकट्ठा ही खरीदेंगे। तो एक और सवाल है, ये लोग फार्मा में है, ये कहीं जाते भी होंगे शहर में, तो अब 1,000 का रूम लेंगे तो उस पर भी जीएसटी, हॉस्पिटल में अगर 5,000 तक का रूम ले रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी, तो जीएसटी ही जीएसटी, गब्बर टैक्स कहते हैं राहुल गांधी। जब वही है, ये जीएसटी ही जीएसटी, हर सामान में हम जीएसटी दे रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से लोग परेशान है। भाई साहब आप तो घूम के कुछ बोल लीजिए, आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, बर्थडे है? जी जी जी, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस क्षेत्र में आप खूब आगे बढ़िए, निरंतर जो आपकी सैलरी है खूब बढ़ती जाए। बहुत लेकिन ये बढ़ती हुई जीएसटी है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं जीएसटी तो अच्छा लस्सी मंगाया उस पर भी जी जी जी। जैसे जीएसटी क्या होता है भाई सब, जीएसटी तो लगना एक तरह से सही भी है और गरीबों के लिए गलत भी है, ठीक है ना। जीएसटी से आदमी पता चलता है कि आदमी का टर्नओवर कितना हो रहा है, ठीक है ना, इससे आदमी पे करता है और इसे इनकम टैक्स के दायरे में आता है। नहीं तो जो लगा था बड़ा वाला वो तो ठीक था, हाँ, लेकिन नहीं जो गरीबों के लिए दूध एक रिक्शा वाला खरीदेगा, ये शर्मसार, ये तो गरीबों के लिए बहुत ही गलत डिसीजन है, बहुत गलत डिसीजन। गरीब इससे डे पर डे मतलब डिप्रेशन में ही जाएंगे। आप कितना कमाते हैं? सैलरी वाली नहीं पूछा जाता, लेकिन हम पूछ लेते हैं। वही लमसम जीने खाने भर के, तो जीने खाने भर के कमाते हैं, तो इस बार जीने खाने पे कितना असर जीएसटी का पड़ने वाला है? बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ये हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली पे तो बिल्कुल ही पड़ने वाला है। चलिए जीएसटी लगे चाहे कुछ, आपको एक बार फिर बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं बता रहे हैं, और आप भले जीएसटी लगे पूरे परिवार के साथ होटल में जाइए और खूब बढ़िया एंजॉय करिए, ठीक। तो आइए कुछ और लोग हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? नाम भी नहीं बताएंगे। राजमोहन शुक्ला। राजमोहन जी भोजन वोजन करते हैं ना, तो जीएसटी लग गया, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, महंगाई ठीक ठाक है, सब बढ़िया। तो क्या ये दमनकारी फैसला है, और निश्चित रूप से इस फैसले को वापस देना चाहिए, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। तो लस्सी आप ही लोग मंगाए हैं? हाँ, लस्सी हम ही लोग मंगाए हैं। क्या किया जाए, जन्मदिन था उसका तो पीछे पड़ गया। अरे भाई देखिए महंगाई इस कदर पड़ी है, भैया लस्सी बस मंगवाए हैं बर्थडे पे। भाई वही तो है, सबसे मेन मुद्दा जीएसटी है, सब चीज पे जीएसटी लगा हुआ है। मतलब लेकिन बड़ी बात ये है ना कि अंतिम संस्कार पे उन्होंने जीएसटी नहीं लगा रखा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। आप देख लीजिए भारत की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा युवाओं की है, 65% युवा है। एक युवा यहाँ भाग के दूर से देख रहे हैं, बोलने का तो मन है लेकिन बोलेंगे नहीं, हम भी पूछेंगे नहीं। भाई साहब एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए, लस्सी पिए हैं आप? एक मिनट हाँ बताइए, लस्सी अभी लस्सी हम लोग मंगा के पिए हैं, जो लस्सी पहले 20 रुपए की मिलती थी वो लस्सी हम लोग 26 रुपए देकर के लिए हैं। अच्छा, तो यही फायदा हुआ है जीएसटी का, ठीक है। तो जनता जितने मुंह उतनी बातें, क्या कहना चाहेंगे? बढ़ती हुई, अच्छा डॉक्टर साहब हैं, किस चीज के डॉक्टर? हम BMS हैं। अच्छा, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। तो आपके ऊपर का जीएसटी लगेगी? बिल्कुल महंगाई है, हम उतने बड़े डॉक्टर थोड़े नहीं, उतने लेवल के लस्सी लेने ही गए थे। उतने लेवल के डॉक्टर साहब आप लस्सी लेने गए थे? जी। कितना महंगा पड़ा है? अरे बहुत कॉस्टली पड़ गया है, पीने का मन नहीं करता है। हाँ, मजबूरियां दर्द दोस्त कर जाते हैं, पिलाना पड़ता है। BHMS मतलब होम्योपैथिक वाले डॉक्टर? BMS है। अच्छा, BMS बैचलर ऑफ मेडिसिन सर्जरी। अच्छा, सर्जरी करते हैं? जी। सरकार भी तो सर्जरी कर रही है, अर्थव्यवस्था की जीएसटी बढ़ा दी।
एकदम चरम सीमा महंगाई है। हाँ, तो केक कितने का पड़ा है? अरे केक तो मेरा 400 रुपए का पड़ गया, जहाँ पहले हम लोग का काम 100 रुपए में चल जाता था। 100 रुपए हमको केक मिलता था भाई साहब, हमको नहीं बता दीजिए। बच्चों वाला बताइए, इनका बर्थडे है, 100 रुपए हम केक लाएंगे। जब भाई दोस्त कहेंगे तो लाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो अब कितना आपके पॉकेट पे जीएसटी का असर पड़ने वाला है? बहुत बहुत ज्यादा पड़ रहा है, चरम पे एकदम चरम पे जी। तो जीएसटी ये बढ़िया फैसला नहीं है सरकार का? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। हम तो सोचते थे आप लोग खूब जबर कमाते हैं। नहीं नहीं, जब नहीं कमाते हम लोग। कमाते तो जीएसटी वाले भरपूर देते हम लोग, तब ऐसे पार्क में आके थोड़ा टाइम पास करते हैं, तब कहीं माल में बैठते हैं, माल में घूमते हैं। हाँ, तो आप लोग होटल में ना जाने के चलते यही केक काटेंगे, यही लस्सी पिए जी, महंगाई को। देखिए महंगाई का असर ऐसा है कि ये जो हमारे अगल बगल लोग दिख रहे हैं, 15,000, 20,000, 30,000 लोग पाने वाले, होटल में नहीं जाके इस पेड़ के नीचे ही केक काट रहे हैं और लस्सी से अपना बर्थडे मना रहे हैं। तो ये अद्भुत खबर है, हम आपको दिखाते रहेंगे। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा संभालना है सानू, मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।